संताराम नहीं रह पाएगा और माताएं यहाँ पर बैठी है भारी मात्रा में। आज सबको लालू भाई का नमस्कार। बच्चे को इनको भी मैं बहुत सारा प्यार और शुभकामना देता हूँ, अपनी ओर से बेस्ट विशेष देता हूँ। साथ ही धन्यवाद करना चाहूंगा खासकर पूरे कोस्ता बिरादरी का, जिन्होंने मेरा मान सम्मान रखा। क्योंकि जब आपने मुझे बुलाया तो उस समय मैं अकेला था, लेकिन जब मैं चला तो इन लोगों ने मुझे साथ दिया, उसके लिए तहे दिल से मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के प्यार में मुझे हमेशा संघर्षों में रखा है। मजदूर किसान वही क्षेत्र की आवाज को हमेशा छोटे मोटे तरीके से उठाता हूँ। वह हमारे पुराने साथी शास्त्री जी रहे हैं, बड़े भगत रहे हैं, लेकिन इनके जो जवानी है उसको लेकर हमारे अंदर की जवानी भी खूब कड़ी होती है। यहाँ पर जो ढाल से वो जो अजोली से ये साथी है जी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही दलीप चौहान जी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त मुझे दिया। साथियों, इसी बात नहीं करूँगा, लेकिन जब मौका मिला विचार अपने आप लोगों के समक्ष रखूंगा। इस देश की बात और आज के नौजवानों के सामने है, इस देश की बात और संभालना अब नौजवानों के हाथों में है। क्योंकि बुजुर्ग हम इसे करते हैं, लेकिन आपसे अपील करना चाहूंगा जिस प्रकार का यह आंदोलन हमारा हटी के रूप में इस समय गंगा के अंदर भी जो है चला है, और आने वाले दिनों के अंदर आप सबसे बड़ी अपील रहेगी कि उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप तमाम लोग जो हम लोग गंगा के क्षेत्र का दर्जा मांग रहे थी, हमारी जो बहुत पुरानी संस्थागत से मांग है, उसके लिए आप तमाम लोग उसमें शामिल हो। और हमने तो सीधे सीधे ये कहा है, भाई की बात को हम बोलते हैं इसके, कि अगर हमारे को यहाँ से दिल्ली भी अगर चलना पड़े तो हम पैदल में दिल्ली का किला भी फतह करेंगे। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग जो है, लेकिन हम लोग जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे मेले है, जो हमारे पेड़ है, इन सब को बचाने का वक्त आ गया है। नहीं तो आने वाले समय के अंदर, नहीं तो आने वाले समय के अंदर जो आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमारी खत्म हो जाएगी। मैं आपको धीरे शब्दों में रहे, आप रहे, लेकिन वहां पर रहकर भी जो है अपने
टुकड़े है, रोड बाड़े चीन के टुकड़े है, बैठे बाड़े वाले चीन के टुकड़े है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी शक्ति को पहचानो और इस भाटी और भाटी के संघर्ष के साथ साथ अपने क्षेत्र की आवाज को भी मान करो।